अस्सलाम वालेकुम। शोर शराबा तो आपने सुन ही लिया है, तो चलें अब आपको बताते हैं ये व्लॉग है किस बारे में। आज हम बना रहे हैं बिद अपने कजन की। मेरी कजन की शादी है और आज हम मुल्तान जा रहे हैं बिद बनाने। आज काफी अरसे बाद मैंने की है ऑयलिंग और चने रेडी हो जाते हैं। और गाइस हम निकल गए हैं मुल्तान के लिए और इंशाल्लाह आपके साथ बाकी सफर भी शेयर करते हैं। सफर में खाना पीना तो मैंडेटरी है ना, इसके बगैर तो रहा नहीं जाता, तो इसलिए हमने लिया है रास्ते में रुक के सोहन हलवा और समोसे। और बहुत थका देने वाले सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपको दिखाते हैं बाकी का व्लॉग। यहाँ पहुंचते ही मुझे लगा दिया गया है काम पे, क्योंकि हमें डेकोर करना है और हमारी लास्ट टाइम भी डेकोरेशन कम रह गई थी, तो अब हम इसको करते हैं पूरा। और डेकोर करने के बाद अब हमने बनानी है बिद, जो हम असल काम के लिए आए हैं बिद बनाने और निकाह के लिए। तो चलें आपको दिखाते हैं साथ साथ कि हम इसमें क्या क्या ऐड करने वाले हैं। और ये सारे काम करके थक के हमने रात के 1 बजे मंगवाया है पास्ता। पास्ता खा के भी सुकून नहीं आया, तो हमने डिसाइड किया कि अब चलते हैं हम क्वेटा रेस्टोरेंट से चाय पीने और वहाँ के गरम गरम पराठे खाने। हम सब कजन अब जा रहे हैं चाय पीने, ये वाला टाइम दोबारा नहीं आता, तो इस टाइम को जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लें। एंड हियर वी आर, हमने चाय ऑर्डर कर दी है, साथ हमने शक्कर वाला पराठा, सादा पराठा और हर तरह के पराठे ऑर्डर किए हैं। अब हम वो इन्जॉय करेंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस डे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन रहा। इंशाल्लाह आपको शादी पे भी अपने साथ ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।